नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे मरीन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अगर इस कंपनी के डिटेल की बात करें तो पिछले कुछ टाइम से इस कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिला था, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिला। अभी यह कंपनी का कंडीशन की बात करें तो यह कंपनी अभी कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत ही जल्दी कंपनी सपोर्ट लेकर यहाँ से एक बड़ी ग्रोथ दिखाने वाला है। उसके पीछे क्या रीजन है, कहाँ पे ऐसे कैंडलस्टिक बन रहे हैं जो कि यहाँ पे सपोर्ट जोन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो सब कुछ इस वीडियो हम आपको एनालाइज करके बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखते हैं इस कंपनी के डिटेल को। सबसे पहले आप देखेंगे तो यह कंपनी अपना जो कंसोलिडेशन जोन बना रहा है वो बना रहा है ये ब्लू लाइन और ये ब्राउन लाइन के बीच में, यानी कि 21 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 55 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में। कंपनी यहाँ पर सपोर्ट भी ले रहा है 55 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में, तो यहाँ से अगर ये बाउंस बैक करता है तो यहाँ से एक बड़ी तेजी अगेन आपको दिखाएगा। दोस्तों अगर इस कंपनी के RSI लेवल की बात करें तो यहाँ पे 41.62 का डिटेल देखने को मिलता है। जैसा ये 45 और 48 को क्रॉस करके उसके ऊपर निकलता है तो फिर इस कंपनी में अगेन आपको तेज़ी देखने को मिलेगा। तो जो लोग इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, कंपनी को होल्ड करके कंटिन्यू करके चलें। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो अपना स्टॉप लॉस भी लगाकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस की जो प्राइस होगी वो होगी 100 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी 45 रुपीज़ के पास में। यहाँ पर आपको स्ट्रिक्टली अपना स्टॉप लॉस फिट करना है और कंपनी को कंटिन्यू करके चलना है। जो लोग भी इस कंपनी को बाई करने हैं उन्हें कहाँ पे बाई करना चाहिए, तो दोस्तों जैसे 48 का RSI लेवल ब्रेक करके इसके ऊपर निकलता है तो उसके बाद इस कंपनी में आप फ्रेश एंट्री बाइंग करने की सोच सकते हैं। अगर इस कंपनी के और डिटेल की बात करें तो आप देखेंगे इस कंपनी का हमने मंथली चार्ट लगा रखा है। अगर मंथली चार्ट पे इस कंपनी के डिटेल की बात करें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी क्रिएट हो रहा है और कंपनी जस्ट उसी के पास में आ चुका है। तो यहाँ अगर कंपनी सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करता है तो एक बड़ी तेज़ी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। कंपनी के टारगेट की बात करें तो कंपनी का जो पहला टारगेट होगा वो होगा 52 का। जैसा इसको ब्रेक करके इसके ऊपर निकलता है तो 55-56 का अगला टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी को एनालाइज करें, उसके बाद कोई डिसीजन ले कि कंपनी को होल्ड करना चाह रहे हैं या बाई करना चाह रहे हैं या फिर आप सेल करना चाह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।